वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व परिषद अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी ने गुरुवार को गांव में निर्विवाद उत्तराधिकारी की खतौनी में दर्ज कराई जाने वाली स्वामित्व योजना के प्रगति की समीक्षा की तथा मानव संपदा पोर्टल पर डाटा एंट्री व वेरिफिकेशन तथा मिशन शक्ति की भी समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्व परिषद अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था तथा उम्मीद किया जा रहा है कि 24 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घरौनी उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि सरकार की प्लानिंग है कि इस योजना के तहत आगामी 4 साल में यानी अप्रैल 2020 से मार्च 2024 तक पूरे देश में 6,20,000 गांवों को कवर किया जाएगा। इससे एक ओर जहां सटीक भूमि रिकॉर्ड से संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने का अवसर प्राप्त होगा, वहीं वित्तीय तरलता को बढ़ावा मिलेगा। जहां पुरानी व्यवस्था के तहत ज़्यादातर ग्रामीणों के पास अपनी ज़मीन के मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं हैं, वहाँ पर साल दर साल वक्त बीतता गया लेकिन पुरानी व्यवस्था के चलते मालिकाना हक से जुड़े कागज कभी नहीं बन सके। हालांकि गांवों की खेतिहर जमीन का रिकॉर्ड तो रखा गया लेकिन लोगों के घरों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार स्वामित्व योजना से इस बड़ी कमी को दूर करना चाहती है। इस दौरान अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, CRO चंद्रशेखर मिश्रा, ADM वित्त राजेश कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े सभी सीनियर ऑफिसर्स को मैं आह्वान करूंगा कि देश के पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जो स्वामित्व की योजना चल रही है, इसमें पिछली बार भी हमने ये फैक्ट शेयर किया था कि आगामी 24 अप्रैल, जो आज से ठीक एक महीने बाद है, वो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी के घरौनी का वितरण किया गया। हम आपको ओवरऑल एक इम्प्रेशन ये दे चुके हैं कि पंचायत राज मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश को इसके लिए 8,000 गांवों का एक लक्ष्य दिया है जिन गांवों में घरौनी का वितरण किया जाना है। और ये आप समझते हैं कि जब तक हमारे प्रदेश के सभी जिलों का इसमें एक्टिव कोऑपरेशन, एक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तब तक इस बड़े विराट लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जब पिछली बार इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी तब आपसे ये निवेदन किया गया था कि इस ड्रोन सर्वे के इस प्रोसेस में जिन जिन गांवों में 15 मार्च 2021 तक मैप 1 सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त हो चुके हैं, उनका हमें 24 अप्रैल को घरौनी का वितरण किया जाना है। ये यार्डस्टिक पिछली बार सेट की गई थी और अभी भी हम इसी यार्डस्टिक को फॉलो करेंगे अगर हमें 8,000 के बड़े लक्ष्य को लेना है। इसमें जो एरियाज फोकस वे में आइडेंटिफाई किए थे, जो आयकर सचिव राजस्व परिषद आप सबको अलग से लीसी में भी छा चुके हैं कि के जो 7 जनपद हैं उसमें हमें 100% विलेजेस करने हैं। वाराणसी जनपद में सेवापुरी ब्लॉक है, उसके सारे गांव लिए जाने हैं। हमने ये भी कहा था कि वेस्ट यूपी में जो हमारे 20 जिले थे उसमें जिन जिनको मानचित्र 15 मार्च को प्राप्त हो गए थे उन गांवों में24 अप्रैल के एक महीने से कम एक दिन की स्थिति में हम आज हैं। मैं आयोजन सचिव से अनुरोध करूंगा कि जो इंडिकेटर्स उन्होंने इस समीक्षा के लिए रखे उसके अनुसार आप
इस समीक्षा को प्रारंभ कर सकते। बेसिकली जो भी टारगेट्स दिए गए हैं 24 अप्रैल के लिए सर, वो बुंदेलखंड के 7 डिस्ट्रिक्ट्स है, उसका संदर्भ सारे मैप्स भी दिए जा चुके हैं सर। उसके बाद बनारस में सेवापुरी ब्लॉक है, उसको संदर्भ करना है सर। और वेस्ट यूपी में 15 मार्च तक जितने मैप्स मिले हैं सर, मिनिमम ऑफ 10 सर। वेस्ट यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में सर, 38 डिस्ट्रिक्ट में हर सर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 10-10 सर, और जितने मैप्स मिले हैं विच एवर इज हायर सर, तो इनको टारगेट दिया गया था सर। तो सर इसमें बेसिकली अब मैप्स, क्योंकि अब मैप्स 17,000-18,000 सर पूरा ड्रोन सर्वे हो चुका है सर, 8,000 मैप्स हमें मिल चुके हैं, और उसके सापेक्ष लेकिन सर जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो ग्राउंड पे पड़ताल होती है, जो मैप वन को देख के पड़ताल की जाती है, जिससे वेरिफिकेशन की जाती है सर, वो अभी वो स्लो हो रहा है। उसकी वजह से जो हमारी प्रोग्रेस है एटलीस्ट 8,000 विलेजेस का जो टारगेट है सर, वो अभी हम उससे पीछे चल रहे हैं सर। सो अगर सर हमें ये टारगेट मीट करना है, तो ये पड़ताल जल्द से जल्द कम्प्लीट करनी होगी सर, क्योंकि पड़ताल के बाद की कार्रवाई भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। सो विद इन दिस वीक सर, दे विल हैव टू कंप्लीट ऑल द पड़ताल सर, ताकि उसके बाद सर आगे की कार्रवाई हो जाए सर। फॉर्म 789 की कार्रवाई और प्रकाशन और फॉर्म 10 जनरेशन की कार्रवाई में भी सर कम से कम 15 दिन लगते हैं, 15-20 दिन लगते हैं सर। सो वो इस महीने के अंदर अंदर सर ये कंप्लीट करनी पड़ेगी सर, अन्यथा हम टारगेट नहीं मीट कर पाएंगे। और हमारा जो प्रोग्रेस है सर, पीएमओ डेली वॉच कर रहा है, एंड हम इसको हमारा जो टारगेट है वो भी कन्वे कर दिया गया है, और हम इससे बच नहीं सकते सर, बेसिकली तो ये करना ही है सर। सो सर इसमें जो भी प्रोग्रेस है सर, वी विल टेक देम वन बाय वन सर। एंड एक चीज़ और आ रही है कि कहीं पर मैप्स तैयार हैं, वो भी पिकअप नहीं अभी किए गए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट से सर मैं बताऊँगी। और जहाँ पर सर फॉर्म 7 तैयार हैं, वो उनका प्रकाशन इमिजिएटली करवाया जाना है सर, उसमें डिले नहीं करना कि एक साथ करेंगे सर। वो अगर पैरेलली हो जाए कार्रवाई, तो बाद में सर एकदम रश नहीं आएगा। और सर जल्द से जल्द खत्म किया जाना है सर फॉर्म 9 और 10, जहाँ पे 7 की कार्रवाई हो गई है सर, 9 और 10 जल्दी फाइनलाइज करने। और एक ये भी सर कहना है कि जो पुराने पहले भूमियाँ वितरित की गई हैं, उनमें कुछ ऐसे थे, कुछ लंबित सहमति वाले विस्तारित नहीं किए गए थे जिलों के द्वारा, वो ऑलमोस्ट 20% थे सर। तो वो वाले जो फिगर है, वो उसको 0 तक लेके आना है, विवादित छोड़ के अन्य जितने भी लंबित हैं वो पूरे कंप्लीट किए जाने हैं। बिकॉज सर बहुत फोकस करना पड़ेगा सर, बिकॉज यहाँ पे इन सबको 100% मैप्स, जहाँ जहाँ जितने भी गांव हैं और सारे ड्रोन सर्वे हो गए हैं, और सारे मैप्स बन गए हैं, और सारे मैप्स इनको मिल भी गए हैं सर। अगर है सर मैं उसी क्रम में बताऊंगी सर, सबसे ज्यादा पेंडेंसी सर डिस्ट्रिक्ट जालौन की है सर। इनके जितने इन्होंने पड़ताल कर ली है, उसमें अभी भी 201। गुड इवनिंग मैम, हमें मैम जो लास्ट नक्शे प्राप्त हुए मैम, 73 गांव के 19 मार्च को प्राप्त हुए हैं मैम, और उन्हें चला रहे हैं मैम। एक्चुअली हमारे कुछ तहसीलें कंप्लीट हो चुकी है, और कुछ तहसीलों में गांव का चल रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि उसी गांव के लेखपाल को करना है, और एक लेखपाल को ग्राउंड ब्रूटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है।